इस समय छठ महापर्व के रंग में आम जन से लेकर भोजपुरी सेलेब्स पूरी तरह डूबे नजर आ रहे हैं। ऐसे में इनके भक्ति रस से भरे गीतों के साथ साथ कई बड़े खुलासे भी ये स्टार्स फैंस के बीच कर रहे हैं। इस कड़ी में नाम लेना चाहेंगे बोल्ड एंड ब्यूटीफुल भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का, जिन्होंने हाल ही में छठ से जुड़ा एक ऐसा किस्सा शेयर किया जिसके बारे में आप सुनेंगे तो अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। तो आइए बताते हैं आपको। छठ पर्व के मौके पर एक के बाद एक कई गीत रिलीज कर चुके एक्ट्रेस ने अपने बचपन का एक बेहद हैरान कर देने वाला किस्सा शेयर किया और बताया, मैं छठ त्योहार की महानता कभी समझ नहीं पाती। अगर मेरी माँ ने मुझे बचपन में ही सबक ना सिखाया होता। दरअसल मैं शायद 5 से 6 साल की थी। उस समय मशहूर गायिका शारदा सिन्हा के गीत बहुत फेमस हुआ करते थे, जिनमें से एक गीत उस समय मैं सुन रही थी। जैसे ही शारदा सिन्हा की आवाज में गाया एक छठ गीत आया, मैं उसे सुनकर जोर जोर से हंसने और खिलखिलाने लगी। मुझे उस समय ये गाना काफी अच्छा लगा, इसलिए मैं उस पर नाचने भी लगी। यकीनन एक्ट्रेस के खुलासे से चौंक गए होंगे आप, लेकिन ये किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। आगे इससे भी बड़ी और हैरान करने वाली बात बताते हुए एक्ट्रेस ने कहा, अक्षरा के मुताबिक जैसे उनकी माँ ने उन्हें इस तरह का मजाक बनाते देखा तो रसोई से बेलन लेकर उन्हें खूब पीटा। माँ की तरफ से मिले ऐसे रिएक्शन से वो समझ ही नहीं पाई कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है। लेकिन बाद में ये सब हो जाने के बाद और माँ के गुस्से को देखने के बाद बचपन में ही अक्षरा ये समझ चुकी थी कि छठ पूर्वांचल के लोगों के लिए कोई आम नहीं बल्कि बहुत बड़ा त्योहार है, साथ ही साथ ये बहुत पावरफुल भी है। तो सुना आपने कि कैसे माँ के सिखाए सबक के बाद ही अक्षरा छठ महापर्व की अहमियत समझ पाई थी। अक्षरा के इस खुलासे के बाद इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल है कि जो अक्षरा आज छठी मैया का इतना गुणगान कर रही है वो कभी इस पर्व को लेकर मजाक भी कर चुकी थी। खैर, बचपन की नादान यही होती है जो कभी हंसा के या कभी रुला कर जिंदगी का बड़ा सबक या कहे पाठ पढ़ा जाती है। फिलहाल अक्षरा के इस मजेदार बचपन वाले किस्से को सुनने के बाद आपकी क्या राय है? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा ही कुछ वाक्य हुआ है? तो शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में। पूर्वांचल और भोजपुरी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और पल पल की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।